नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। गोरमी पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री। भारी मात्रा में शराब, आरोपी शराब वारदाना और शराब ढोने में उपयोग की गई बोलेरो गाड़ी और एक ओमनी वैन, कुल कीमत 21 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार चलाए जा रहे शराब पकड़ो अभियान और अपराधियों को चिन्हित कर अभियान की चलाई जा रही है, जिसमें गोरमी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गोरमी थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ग्राम अकलौनी का ग्राम सुनारपुरा के मजरा कुंदन सिंह का पूरा में दो व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके घर के अंदर अवैध शराब की फैक्ट्री लगाकर अवैध शराब का निर्माण एक भंडारण किए हुए है। ग्राम सुनारपुरा के मजरा कुंदन सिंह का पुरा में दो व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके घर के अंदर अवैध शराब की फैक्ट्री लगाकर अवैध शराब का निर्माण और भंडारण किया हुआ है। उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा करने के निर्देश दिए गए निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपुसे और SDOP महोदय महगांव RKS राठौर के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई तो एक मारुति ओमनी गाड़ी में पैक की हुई शराब की पेटियां भरकर बेचने की फिराक में आसपास क्षेत्र में खपाने के लिए निकलने वाला है। एक मकान के अंदर एक कमरे में दो व्यक्ति बल्ब की रोशनी में शराब की पेटियों की पैकिंग कर रहे थे। तीनों व्यक्तियों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति अकलौनी का अंधेरे का लाभ लेकर घर के पीछे की तरफ से सरसों के खेत में भाग गया। दो व्यक्तियों को घेर कर पकड़ा गया जो निवासी सुनारपुरा मजरा कुंदनपुरा के रहना वाला बताया जाता है। कमरे की तलाशी ली गई तो 8 केन जिसमें 50-50 लीटर ओपी शराब, कुल 400 लीटर ओपी शराब और एक अल्कोहल मीटर, शराब नापने का शराब के क्वार्टर पैक करने की मशीन, एक प्लास्टिक की छन्नी, खाली क्वार्टर 20,000 नग, क्वार्टर के ढक्कन 15,000 नग, रैपर 15,000 नग, होलोग्राम स्टीकर 10,000 नग, कागज के गत्ते 500 नग और ओमनी वैन की तलाशी ली तो उसमें 3 पेटी देशी मदिरा मसाला, 4 पेटी देसी प्लेन शराब की और बोलेरो कार के अंदर एक केन 50 लीटर ओपी शराब की रखी पाई गई। कुल कीमत 21 लाख रुपए की शराब और सामग्री बरामद की गई। कुंदनपुरा के दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गहन विवेचना की जा रही है। भागे गए अकलौनी ग्राम के आरोपी को पूर्व में भी 24 पेटी प्लेन देशी शराब और 50 लीटर ओपी शराब, 6 आरोपी ग्राम अकलौनी को मैवेगन आर वैगनार गाड़ी नंबर DAL 5C 4349 और वारदाना के दिनांक 17/6/2021 को बरामद किया गया था, जिस पर से थाना गोरमी पर आपराधिक संख्या धारा 180/21, 34(2), 49(k) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीकृत किया गया था। कुल ये माल हुआ बरामद। कुल 9 केन जिसमें 450 लीटर ओपी शराब, 7 पेटी प्लेन और मसाला शराब और बोलेरो गाड़ी क्रमांक MP7BA4043, एक ओमनी कार नंबर MP7BA4051 और अल्कोहल मीटर शराब आपने का शराब के क्वार्टर पैक करने की मशीन, एक प्लास्टिक की छलनी, खाली क्वार्टर 20,000 नग, क्वार्टर के ढक्कन 15,000 नग, रैपर 15,000 नग, किलोग्राम स्टिकर 10,000 नग, कागज के गत्ते 500 कुल नग, कुल कीमती 21 लाख रुपए इनकी रही भूमिका। निरीक्षण सुरेश शर्मा, उन्हीं वैभव तोमर, सौनी सुरेश शुक्ला, कार्यभार प्रआर 1070 रामोतार, प्रजार 205 मनीष, कार्य प्रआर 1007 कौशलेंद्र, कार्य प्रसार 1076 जितेंद्र सिंह, R1209 विकास, R319 सौरभ शर्मा, R1127 राजेश, आर चालक 1099 अमृत तोमर लोग रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए भिंड से आरती शर्मा की रिपोर्ट। तो अच्छी कार्रवाई हुई थी, तो उसके बारे में जब जनता को जानकारी मिली तो इसके बाद हम लोगों को फिर पुनः इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि एक दूसरी जगह पर भी इसी तरह से एक फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही है। तो इसमें जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इसमें विधिवत रूप से जब वहाँ पर दबिश दी तो वहाँ से पुलिस को दो व्यक्ति उन्होंने गिरफ्तार किया और साथ में अवैध शराब बनाने का जो सामान है वो जब्त किया। इस पूरे सामान में पुलिस को करीब 450 लीटर जो है वो ओपी शराब प्राप्त हुई, 7 पेटी बनी बनाई उनको प्लेन व मसाला शराब, और उसके अलावा करीब 20,000 खाली क्वार्टर के जो नग थे वो इतने ही करीब उनको ढक्कन और रैपर और होलोग्राम स्टिकर ये सब प्राप्त मिले। साथ ही साथ जो ये अवैध शराब को बेचने के लिए और सभी जगह देने के लिए डिलीवरी के लिए जो एक बोलेरो और एक मारुति ओमनी
ये पुलिस को वहाँ मौके पर मिली और कुल कीमत करीब इन पूरे मशरूके की 21 लाख थी जो पुलिस ने जब्त की। लेकिन जो वहाँ पर मेन आरोपी था जिसका संबंध बाद में पता चला, जो ये यहाँ पे सप्लाई करता था, तो वो आरोपी मौके से फरार हो गया। अभी उसकी हम लोग पता लगा रहे हैं और साथ में जो जहाँ से ये मेनली ओपी और ये सारा माल मटेरियल सप्लाई होता है, तो उनका पता लगा के उनका भी कार्रवाई का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।